नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कार्डियो क्या होता है। आप लोगों ने शब्द काफ़ी बार सुना होगा, कार्डियो जिम में या जिम के बाहर कि मैं कार्डियो करता हूँ या कार्डियो करो, ट्रेनर बोलते हैं जिम में कार्डियो करो। सबसे पहले मैं आपको इसकी कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं बताने वाला, मैं इसको आपको देसी तरीके से जैसे समझा जाता है, एक आम आदमी को जैसे समझ में आता है वैसे ही बताऊँगा, क्योंकि मैं भी वैसे समझना पसंद करता हूँ। कार्डियो जो शब्द है वो हम जिस तरीके से काम में जो समझता है उसके बारे में हम ऐसे बात करेंगे। कार्डियो एक समझ लो एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है, मतलब कई सारी अलग अलग तरीके की कसरतें हैं जो हम करते हैं अपने शरीर से, जिनको मिला करके हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, एक श्रेणी में डाल देते हैं जिसे हम कार्डियो कह देते हैं। कार्डियो हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे दिल की सेहत के लिए, हमारे पूरी शरीर की सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम कार्डियो करते हैं और हमें करना चाहिए। कार्डियो शब्द जहाँ पे आ जाए समझ लेना दिल से जुड़ी हुई कोई बात है, दिल से रिलेटेड कोई बात है, दिल से जुड़ी हुई कोई बात है, मतलब इसका दिल से कुछ लेना देना है। अच्छा, ये अगर इस बोर्ड पे क्या लिखा था वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ समझ आ जाएगा, वो मेरे देखने के लिए। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी करता है, इसका क्या मतलब है देसी भाषा में, ये आपका स्टेमिना बढ़ाता है। अच्छा, स्टेमिना का क्या मतलब है, किसी भी चीज को लगातार किसी भी मतलब शारीरिक हरकत को, यूं कह लो इस हाथ को हिला रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो इस हाथ को भी हिला रहा हूँ तो मेरा शरीर हिल रहा है, तो कोई भी शारीरिक हरकत या मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी, किसी भी चीज़ को लगातार लंबी देर तक कर पाने की जो क्षमता है इसको आप स्टेमिना कह लो। तो अगर हम ऐसे बात करें कि किसी चीज़ को आप लगातार बहुत ज़्यादा देर कर पा रहे हो तो हम कहेंगे कि अरे आप में बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, किसी भी चीज़ को आप लगातार कम देर कर पा रहे हो तो कहेंगे अरे आप में कम स्टेमिना है। कम या ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना स्टेमिना है, 1 किलो स्टेमिना, 2 किलो स्टेमिना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि कार्डियो जो है समझ लो एक तरीके से शरीर की एक्सरसाइज हो गई, कसरत हो गई, वो हमारे शरीर की का स्टेमिना बढ़ाता है ऐसे समझ लो, वो हमारे दिल की जो सेहत है उसके लिए अच्छा होता है, मतलब हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कार्डियो जिस तरीके की एक्सरसाइज होती है, जिस तरीके की अलग अलग तरीके की कसरत में गिन लो, ये जो भी होती है ये आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अब कार्डियो में क्या क्या चीजें आ गई, मान लो कार्डियो में देसी तरीके समझने के लिए मैं ये कहूंगा कि लगभग वो सारी चीजें गिन लो जिनमें आपका शरीर हिल रहा है, पर मतलब ऐसे हिलना नहीं जैसे मेरी अंगुली हिल रही, तो ये बहुत मतलब इसे कुछ खास हिलने में नहीं गिना जाएगा, पर जैसे मैं चल रहा हूँ तो वो हो गया ऐसे, तो जिसमें आपका शरीर हिल रहा है लेकिन आप लगभग लगभग हम ऐसा कह सकते हैं कि आप कोई वजन नहीं उठा रहे उसमें, अपने शरीर का वजन भी नहीं उठा रहे हो, कहने का मतलब ऐसा है जैसे कि आप दौड़ रहे हो, अब आप कहोगे मैं अपना पैर तो उठा रहा हूँ, वैसे उठा रहे हो लेकिन अब आप एक मान लो 5 किलो का डंबल लेके उठाओगे तो वो वजन उठा रहोगे ना, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दौड़ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, एक तो नॉर्मल पैदल चल रहे हो ठीक ठाक गति से, एक तेज तेज चल रहे हो, पैदल ही चल रहे हो लेकिन तेज तेज चल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तैर रहे हो, ये सब अपना कार्डियो में आ गया। इनमें आप कुछ वजन वगैरह नहीं उठा रहे हो, इनमें आपका शरीर है, उससे आप कुछ आपके शरीर की कुछ हरकत हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, उससे आपके शरीर की कसरत हो रही है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा देर तक इसको भी ऐसे ऐसे करता रहूँगा ना तो ये भी कार्डियो में, अब आप कहोगे कम देर तक करता रहेगा तो क्या कार्डियो में, नहीं है, पर मतलब अब उसको कौन गिनता है वाली बात है। तो ये जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए ना ये सब हो गए आपके कार्डियो के उदाहरण। अच्छा, अगर हम कार्डियो को समझ लो 3 भागों में बांटे, मतलब एक तरीके से समझने के लिए कि
कि कार्डियो में आप कितना किस किस तरीके से कर सकते हैं। जो कार्डियो एक तरीके की कसरत का नाम है, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए करी जाती है। आपके शरीर में दो तरीके से सेहत को आमतौर पर नापा जाता है, एक तो दिल से रिलेटेड जिसको कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ बोल देते हैं, और एक ताकत वाली होगी जिसमें आपकी शरीर में कितनी मसल है, कितनी आप में ताकत है, वो वाली बात होगी। तो अभी हम जो दिल से जुड़ी हुई सेहत की बात है, कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ वाली वो जो बात है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, उनको हम आमतौर पे उन एक्सरसाइजों को हम नाम दे देते हैं कार्डियो का। तो उनमें किस किस तरीके की एक्सरसाइज आ सकती है। एक तो अगर आप लगातार कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आप लगातार कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको या तो उसको थोड़ा धीरे करोगे या थोड़ा सा तेज कर लोगे। आप एकदम बहुत तेज नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। हमारा शरीर ऐसे नहीं बना हुआ कि हम कोई भी चीज़ को बहुत तेज लगातार बहुत देर तक कर सकें। जैसे कि मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूँ, मैं 1 घंटे भी दौड़ सकता हूँ धीरे धीरे, लेकिन यही मैं थोड़ा तेज होकर के दौड़ूँ तो हाँ मैं आधा पौन घंटे भी दौड़ सकता हूँ, हो सकता है मैं फिर उसी में भी 1 घंटे तक मैं दौड़ लूँ। लेकिन अगर एकदम अपनी पूरी मतलब स्पीड से दौड़ रहा हूँ, पूरी गति से दौड़ रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे तक नहीं दौड़ सकता। हो सकता है आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट है, इतना ही दौड़ लूँ। तो एक लगातार कोई चीज़ आप करते जा रहे हो, चाहे थोड़ी देर के लिए करो, ज़्यादा देर के लिए करो, मतलब वजन उठाने की बात नहीं, आप अपने शरीर से ही कर रहे हो, तो वो एक तरीके से कार्डियो में आ गया। जो कि मैंने अभी बताया ना, स्विमिंग कर लो, दौड़ लो, साइकिल चला लो, तेज तेज चल लो या नॉर्मल चल लो, ऐसे एक हो गया। आप लगातार नहीं कर रहे, लेकिन आप एक बार आपने बहुत तेज तेज कर लिया कुछ भी, जैसे एक बार बहुत तेज तेज दौड़े, फिर या तो चलने लगे या रुक ही गए, थोड़ी शरीर में सांस वांस खाई और फिर वापस से एकदम तेज तेज दौड़ने लग गए, मतलब आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, लेकिन धीरे तेज धीरे तेज इस तरीके से हो रहा है। या बीच में रुक रहे हो, फिर बहुत तेज कर रहे हो, फिर रुक रहे हो, या बहुत तेज कर रहे हो, फिर एकदम धीरे कर रहे हो, फिर बहुत तेज कर रहे हो, ऐसे। ये भी एक तरीके से कार्डियो हो गया आपका। अब मैंने आपको कहा कि कार्डियो में लगभग वो चीज़ आ गई जिनमें आप कुछ खास वजन नहीं उठा रहे। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसमें आप वजन उठा रहे हो, तो उसमें कार्डियो कैसे हो रहा है। मान लेते हैं पुशअप होती है, हम दंड लगाते हैं, मतलब हम अपने हाथों से ही जमीन पे दंड लगाते हैं, हमारे शरीर का ही भार होता है, हमने उस पर कोई और भार नहीं लगा रहा, और हम उठक बैठक करते हैं जिसको इंग्लिश में स्क्वाट्स बोल देते हैं। मान लो मैंने 20 दंड लगाए और मैं बिना आराम किए, बिना रेस्ट लिए खड़ा हुआ, और मैंने 20 उठक बैठक कर ली। जो स्कूल में टीचर और पनिशमेंट में नहीं देते उठक बैठक करो, वो तो ऐसा मैंने 20 20 कर लिया। फिर मान लो मैंने 30 सेकंड रुका, फिर वापस मैंने 20 दंड लगाए, 20 उठक बैठक कर लिए, और मैं दंड और उठक बैठक के बीच में आराम कर ही नहीं रहा हूँ, रेस्ट ले ही नहीं रहा हूँ, मैं लगातार कर रहा हूँ, फिर मैं 30 सेकंड रुका ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप दंड लगा रहे हो तो आपकी छाती की, हाथों की, काफी आपके ऊपर के शरीर की काफी कसरत हो रही है। वो जो कसरत है वो तो आपकी मांसपेशियां मतलब मसल बढ़ाएगी, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, आप लगातार करे जा रहे हो। आप जब उठक बैठक कर रहे हो तो आपके पैरों की एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है, ये दोनों तो आपके मतलब आपके मान लो छाती की, हाथों की, पैरों की मसल बढ़ाएगी, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, आप इस चीज को लगातार कर रहे हो। तो आप इसको ऐसे करोगे तो आपकी सांस आने लग जाएगी। आप जैसे लगातार दंड करे, फिर लगातार उठक बैठक करी, फिर थोड़ा सा ही रुके, 30 40 सेकंड रुके, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट रुके, फिर लगातार दंड करे, फिर लगातार उठक बैठक करी, आप ऐसा करते जाओगे ना, तो अभी सांस आने लग जाएगी, क्योंकि आप अपने शरीर को लगभग लगातार कुछ करवाए जा रहे हो। हालांकि आप यहाँ पे एक तरीके से अपना शरीर का वजन उठा रहे हो, उठक बैठक कर रहे हो तब भी, और जब आप दंड लगा रहे हो तब भी, लेकिन आप लगातार करे जा रहे हो उस चीज को, मतलब आप अपने शरीर को कोई लंबा आराम नहीं दिया आपने। तो इस टाइम पे जो आपकी सांस आफ रही है, जो आपको महसूस हो रहा है ना कि भाई मैं लगातार ज्यादा देर तक लंबा नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपको शरीर में उस टाइम महसूस हो रहा है ना, वो जो चीज हो रही है ना, वो एक तरीके से कार्डियो हो रहा है आपके शरीर में, मतलब कार्डियो की कसरत हो रही है। वो आपके दिल मतलब वो कसरत आप कर रहे हो ना, तो आप अपने दिल का फायदा कर रहे हो। आप उसमें जोर जोर से सांस ले रहे हो, आपका दिल ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा धड़क रहा है, तो एक तरीके से आप अपने दिल के लिए, दिल की कसरत कर रहे हो भैया, ऐसे समझ लो देसी भाषा में, तो आपके दिल के लिए फायदेमंद है। या फिर आप दंड लगाए तो
थोड़ा दौड़े, फिर वापस रुके 30 सेकंड, फिर दंड लगाए, फिर थोड़ा दौड़े, फिर रुके, ऐसे कर रहे हो मतलब। या फिर आप यूँ भी गिन सकते हो कि हम उठक बैठक करते हैं ना, तो उठक बैठक में क्या है कि अगर हम लगातार बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपने ऊपर काफ़ी वजन लाद लें और फिर उठक बैठक करें और लगातार करने की कोशिश करें, उठक बैठक लगातार ज़्यादा देर तक करने की कोशिश करें, उसमें भी हमारा सांस हाँफने लग जाता है। हो सकता है कि पैर नहीं थके लेकिन आप का सांस हाँफने लग जाए, तो आप और नहीं कर पाओ। तो वो जो अंदर हो रहा है ना, जिसके कारण हमारा सांस हाँफ रहा है, मतलब हमें जो महसूस हो रही है अंदर की थकान, जो कि हो सकता है पैर में अभी थकान नहीं हुई लेकिन अंदर जो हमें थकान महसूस हो रही है, वो एक तरीके से आपका कार्डियो हो रहा है, वो कार्डियो की एक्सरसाइज हो रही है, मतलब कार्डियो वाली एक्सरसाइज हो रही है। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें समझा ही होगा क्या हो रहा है। मतलब कार्डियो एक तरीके से, वैसे तो कार्डियो शब्द का कुछ और मतलब होता होगा, लेकिन आम तौर पे एक आम आदमी कार्डियो शब्द से एक्सरसाइज को जोड़ता है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से तरीके की एक्सरसाइज है जो कि कार्डियो श्रेणी में आती है और जो कि आपके शरीर में क्या करती है, वो एक तरीके से आपके दिल पे असर करती है। दिल तेज तेज धड़केगा, जल्दी जल्दी आप ऑक्सीजन अंदर लोगे, जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी आपका दिल खून पूरे शरीर में संचार करेगा खून का। इस तरीके से जब आपके शरीर में कसरत होगी तो वो आपके दिल के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए अच्छी होगी, ठीक है। आपके दिल की धड़कन तेज होगी कार्डियो करते टाइम, ये कार्डियो के फायदे बता रहा हूँ मैं, आपकी दिल की धड़कन तेज होगी, आपका शरीर हिलेगा, आपकी शरीर मूव करेगा, हिलेगा, और हमारा शरीर एक मशीन है, अगर हिलाओगे नहीं तो जंग लग जाएगा। ये बात मैं हमेशा समझता हूँ और कहना भी पसंद करता हूँ, शरीर है, हिलाओ, मशीन है, उसको काम ले, वो जो लंबी चलेगी। शरीर हिल रहा है आपका, काम कर रहा है, कसरत हो रही है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अभी खून का संचार पूरे शरीर में बढ़ रहा है, खून का संचार पूरे शरीर में बढ़ रहा है, तो आपके शरीर में जो आपने खाने से जो तत्व आते हैं वो ढंग से पहुंचेंगे पूरे शरीर में। आप ज्यादा सांस ले रहे हो क्योंकि आप मतलब आप हाँफ रहे हो, मान लो आप ज्यादा सांस ले रहे हो, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, जो कि अच्छी चीज है, हम शरीर को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन दें उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो ये भी अच्छी चीज है। ये सब चीज़ें जानने के बाद मैं कहूँगा कि हर चीज़ के फायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को अगर उसका फायदा है तो हद से ज़्यादा करने लग जाओ। मैं कहूँगा कि अगर आपको रोज भी करना है तो 15-20 मिनट करो, बाकी रोज करोगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा थकने लग जाओ। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेता हूँ, हफ्ते में 3-4-5 दिन कर लेता हूँ, मैं 15-20 मिनट से ऊपर नहीं करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कर लिया तो 30 मिनट, वरना मैं नहीं करता हूँ, 30 मिनट भी नहीं करता हूँ। लेकिन वो गलत है कि आप घंटों घंटों दौड़े जा रहे हो, मतलब अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हो, अगर आपका प्रोफेशन है आपके दौड़ा को, या फिर आपको बहुत शौक है दौड़ने का, आपकी इच्छा है, अलग बात है, पर अगर आप वजन कम करने के लिए ऐसा कर रहे हो या फिर फिट होने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो वैसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा करने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की अति नुकसान ही करेगी। तो 15-20 मिनट में रखो रोज के लिए, भी रख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा मत करो, कोई ज़रूरत भी नहीं है, और उतना हर चीज़ के अति नुकसान ही करते। मेरे ख्याल से मैंने इसमें काफ़ी हद तक आपको समझा दिया होगा कार्डियो क्या होता है और कैसे करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, हमारे दिल की सेहत के लिए, हमारे मतलब अगर आप वजन उठाकर कसरत करोगे तो आपकी मांसपेशियाँ बढ़ाएगी, लेकिन आपके शरीर में सिर्फ मांसपेशियाँ ही आपकी सेहत नहीं बताती ना, और भी चीज़ें जो आपकी सेहत बताती है, जिसमें एक सबसे खास ये है, तो ये हमारे दिल की सेहत बढ़ाएगी, हमारे पूरे शरीर को चलाती रहेगी अच्छे तरीके से, खून का संचार पूरे शरीर में अच्छे से करेगी। करो, अच्छी चीज़ है लेकिन हद में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कोई सवाल है तो कमेंट पे लिख दो, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिले तो नोटिफिकेशन चालू करके मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँ।